हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स दिस इज कुलदीप सिंह वेलकम बैक टू सोशोपीडिया योर ओन सोशलॉजी डिस्कशन फोरम सो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं सोशोलॉजी फुल कोर्स के बारे में एंड दिस इज द पेपर वन दैट वी आर कवरिंग और पेपर वन में अभी तक हम लोग जो है काफी कुछ कवर कर चुके हैं नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलोलॉजीकल थिंकर सो सोशलॉजिकल थिंर्स में हम लोग ट्राई हो दट इज मार्क्स दु कीम एंड वेबर ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं तैलकट पासन हम लोग बात कर चुके हैं और आज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर जो मैं लेके आया हूँ दैट विल बी रॉबर्ट के मर्टन एंड इट इज़ अ व व वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे यूपीएससी में और स्टेट सर्विस में इनके ऊपर से आते हैं और इनको सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में ये कुछ एस्पेक्ट यहां पे दिए गए हैं दैट इज हि इज़ लेटेंट एंड मैनीफेस्ट फंक्शंस ही इज़ कंसेप्ट ऑफ कन्फर्मिटी एंड डेवियंस एंड रेफरेंस ग्रुप थियोरी है ना तो ये तीन एरियाज़ हैं एंड ये दोनों थियोरीज तो ये दोनों एरियाज़ तो uh, पार्सन के बहुत ही फेमस फंक्शनल uh, पैराडाइम से निकल के आते हैं सो so, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। आज के टॉपिक में मैं फंक्शनल पैराडाइम एंड लेटेंड मैनिफेस्ट फंक्शन और कन्फर्मिटी डेवियंस का बात करूँगा एंड नेक्स्ट सेशन में जो है वी विल भी टॉकिंग अबाउट रेफरेंस ग्रुप थियोरी एंड Uh, broadly the contribution and criticism of Robert K. Merton. So चलिए इस फटाफट से करते हैं स्टार्ट एंड स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि इफ़ यू want द पी डी एफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन आपको ये मिलेंगी uh, social P आपके ओ टू वाईस के की ऐप के अंदर जहाँ पे कि आपको जी वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा या कोर्स मिलेगा उसके फ्री रिसोर्स फोल्डर में आपको मिल जाएंगी इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप बिगिनर हैं या फिर एडवांस लेवल में हो और आप चाहते हैं कि जी के ऊपर एक वन ऑन वन मेंटरशिप लेना जिसमें कि आपके आंसर राइटिंग के ऊपर आपकी वैल्यूडिशन पर काम किया जा सके सो यू कैन गो एंड इवन थिंक ऑफ परचेजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स चलिए फटाफट से हम लोग मर्टिन के लाइफ स्केच के साथ स्टार्ट करते हैं व्हाट ही डिड वट और व्हाट वाज द ब्रॉड आइडिया ऑफ मर्टिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सो दैट यू गेट अ ब्रॉड पिक्चर नाउ एज फार एज मर्टिन मर्टिन वाज कंसर्न रॉबर्ट किंग मर्टिन ही वॉज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी लाइक फेमस स्टूडेंट ऑफ पार्सन इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ टेलकट पार्सन ऑल्सो ठीक है जी एंड ही वॉज बॉर्न बेसिकली इन नाइनटीन हंड्रेड ल्फिया में बॉर्न हुए एंड देन उसके बाद ही अटेंडेड कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे बट अगेन लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ के जो है ही शिफ्ट टू सोशियोलॉजी बिकॉज उस टाइम पर जो हो इट वॉज गेनिंग अलॉट ऑफ प्रोमिनेंस इन अमेरिका एंड इन यूरोप एंड वहाँ से जो है सोशलॉजी पढ़ते हैं और सॉरी सोशलॉजी में शिफ्ट करते हैं सोशलॉजी पढ़ने के लिए बाद जो है वो पीएचडी करते हैं सोशलॉजी में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे कुछ टाइम हार्वर्ड में जो है वो प्रोफेसरशिप लेते हैं अंडर टेल्कड पार्सन्स काम करते हैं एंड देन इवेंचुअली ही मूव्स बैक टू कोलम्बिया यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो अपना लाइक मोस्ट ऑफ द अकेडमिक करियर जो है वहाँ पर स्पेंड करते हैं एंड फाइनली फेबररी टू में जो है आफ्टर लिविंग अ लास्टिंग लेगेसी ऑन ऑन सोशलॉजी एज इन डिसिप्लिन ही बेसिकली डाइज अ पासज अवे एंड देन ईवन टूडे हम लोग देखते हैं कि इनकी सोशोलॉजिकल थियोरी जो है इट इज़ बिन अगेन इट हैज़ बिन टॉक्ड अबाउट एंड इनकी जो ही वॉज बेसिकली अ प परसन जिन्होंने की लाइक डिवियंस की अगर मैं बात करूँ क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात करूँ उसके लिए जो है एक बहुत स्ट्रॉग फूट इन सोशोलॉजी में रखी एनी इनके अकेडमिक सर्कल्स के बारे में बात करते हैं तो अगेन ही इज कमिंग एट दैट टाइम इन अमेरिकन सोशोलॉजी जहाँ पे कि uh, दो ब्रॉड ब्रॉड ब्रांड जो है वो चल रहे थे पहला ब्रांड था वो था बेसिकली uh, ब्रॉड uh, या मैक्रो अप्रोच का जिसके अंदर हम लोग पार्सन का पर्सोनियन व्यू या ग्रैंड थे फ्रेमवर्क देखते हैं एंड क्रिटिकल स्कूल हम लोग वहाँ पे देखते हैं क्रिटिकल स्कूल व अनदर स्कूल एंड देन इट देर वॉज अनदर स्कूल विच वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन एम्पेरिसम है ना सो बेसिकली दे वर मोर इंटू स्टैटिस्टिकल स्टडीज दे वर मोर इंटू एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ सोशल फिनोमिना एंड ये Uh, बा, बा, जो आपके मर्टिन uh, uh, है ही वॉज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्सन्स बट अगेन ही डेविएटेड फ्रॉम पार्सन्स कि भाई वो एक ग्रैंड थेरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर ये ना जाके जो है ये अपने एम्पेरिकल या एम्पेरिसिजम के ऊपर फोकस करते हैं एंड यहाँ पे जो है ही वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पित्रिम सोरोस अप्रोच ऑन ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल स्टडीज इन सोशल साइंसेज इवेंचुअली ही केम टू बी ही केम टू गिव लॉट ऑफ थियोरीज एंड दीज थियरीज वर नॉट ग्रैंड थियरीज दे वर लाइक नॉट माइक्रो थ्योरीज ऑल्सो देवर लाइक मिडिल रेंज थियरीज एंड डेट स्पेन की थियरीज को मिडिल रेंज थियरीज भी बोलते हैं सो so, इन्होंने बेसिकली क्या किया नेचर ऑफ़ सोशोलॉजिकल थियोरी के ऊपर बात करी इन्होंने जो जो सो कॉल्ड फंक्शनिज्म पासंस का फंक्शनिज्म एंड जो उससे पहले दुखीम का फंक्शनिज्म था उसको रिफाइन करने की कोशिश करी उसको रिक्वाडिफाई किया इस फंक्शनल अप्रोच को जिसको हम लोग फंक्शनल पैराडाइम बोलते हैं एंड देन ही इवेंचुअली केम अप विद मिडिल रेंज थियरीज जहाँ पे कि इन्होंने कन्फर्मिटी डेवियंस लेट मैनिफेस्ट फंक्शन रेफरेंस ग्रुप्स, इन सब के बारे में बात करी है एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थियोरी दैट ही गेव वॉज द स्ट्रेन थियोरी इवेंचुअली जिसको जो, जो है डेवियंस की जो लिटरेचर है उसमें बहुत ज़्यादा लाइक ही इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिटरेचर ऑन डेवियंस एंड क्रिमिनोलॉजी एंड बेसिकली ये बात करते हैं कि किस तरह से समाज के जो स्ट्रक्चरल मीन्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं जब वो बेसिकली uh, uh, एक दूसरे से इनकम्पिटेंट हो जाते हैं या एक दूसरे के ऊपर जो है लाइक like, इनकम्पैटिबल हो जाते हैं तो किस तरह से स्ट्रेन एंड डेवियंस जनरेट होता है राइट right? इसके ऊपर काफ़ी सारी बात करी है इन्होंने ठीक है जी एनी वेज सो मोस्ट ऑफ इनकी जो राइटिंग्स थी इट वॉज इन इन ऐसे फॉर्म एंड पेपर्स थे ऐसे फॉर्म में थे जिसको जो है बाद में कंपाइल किया गया इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक कॉल्ड इज सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे इनके ब्रॉड व्यू पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया गया है एंड ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन हु लव टू प्रोवाइड टाइपोलॉजीज इन सोशलॉजी सो ही वॉज द पर्सन हू कॉइन द फेस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेजी विच अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रोल मॉडल जो हम लोग आज बात करते हैं इतने कॉमनली बात करते हैं दिस दिस वर्ड बेसिकली वॉज गिवन बाई पास Uh, so, uh, of Merton and then unintended consequences of such kind of typologies was also brought forward by uh, Robert K. Merton. सो so, चलिए इनकी जो है थेरिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ही कॉल्ड एज अ मिडिल रेंज थेरी एंड व्हाई ही वेंट फॉर मिडिल रेंज विद रिस्पेक्ट टू थियरीज ठीक है जी सो ब्रॉडली यू कुड सी दैट देर वाज अ मैक्रो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि मैक्रो है एंड माइक्रो अप्रोचेज हैं मैक्रो लेवल में जो हम लोग कहते हैं ब्रॉड जो सोशल सिस्टम्स है जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस करते हैं एंड माइक्रो एस्पेक्ट में हम लोग एजेंसी के ऊपर फोकस करते हैं इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं इंडिविजुअल थॉट्स एंड आइडियाज़ के ऊपर फोकस करते हैं हाउ मर्ट इन वॉज ऑफ़ व्यू दैट हम लोग को इस तरह के ग्रैंड थेरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो नहीं बनाने हैं और अभी भी हम लोग को जो है छोटी थेरीज़ बनानी है जो कि स्पेसिफ़िक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो है एक्सप्लें कर सके ठीक है जी ये बेसिकली इनका आइडिया निकला कहाँ से इनका आइडिया निकला जब इन्होंने जो पार्सोनियन सोशियोलॉजी है इसको जो है रिजेक्ट किया उनकी मेगा थेरी बिल्डिंग को रिजेक्ट किया मट इन का कंटेंस था कि बेसिकली पार्सन जो ऑल लाइक इनकम पासिंग थियरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लाइक like, वो फ्यूटाइल होगी क्योंकि उसके लिए अभी भी लाइक like, जो एक थियरीटिकल स्कीमा होनी चाहिए एक एम्पेरिकल एंड थेरेटिकल ग्राउंड वर्क

थियरी या ब्रॉड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें इनके बेसिकली मिडिल रेंज जो थियोरी थी दे वर टू हैव स्पेसिफिक एंड वेरिएटेबल हाइपोथेसिस जिसको कि हम लोग इम्पेरिकल वेरिफिकेशन से जो है क्या कर सकें उसको एक्सप्लेन कर सकें उसको प्रूव कर सकें दैट वाज हिज पॉइंट ठीक है जी व्हाट ही वांटेड सोशलॉजी टू बी और सोशलॉजिकल थ्योरी टू बी वॉस दैट इट शुड बी फैक्ट ड्रिवन एंड जो फैक्ट्स हैं दे शुड एक्सप्लेन दियोरी इन अ वेरी वेरी सिस्टमेटिक मैनर दैट इज वॉट ही वॉन्टेड ही वॉन्टेड दैट सोशलॉजी जो है इट शुड गो अवे फ्रॉम मेगा स्पेक्यू एंड शुड एक्चुअली फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड इशूस जो कि एक्चुअली में देखने को मिल रही है जो सोशल रियालिटी में देखने को मिल रही है एंड उनके जो है एम्पेरिकल सिचुएशन देख के एम्पेरिकल सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है जी अगेन मर्टन वॉज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल विद यूज ऑफ नैचुरल साइंसिस दो ही वॉज ही इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन बाई दीम एन दिन पार्सन बट ही वॉज अगेन यू कैन से लाइक हेजिटेंट कि भाई नेचुरल साइंस के थियरीज़ को जो है हम लोग सोशलॉजी के फील्ड में लेके आना चाहिए एंड दैट इज़ वाई लाइक इन्होंने मैथड जरूर यूज़ किए स्टैटिस्टिकल मैथड यूज़ करते हैं बट अगेन ही फील दैट नहीं कि भाई जो नेचुरल साइंसिस हैं वो बहुत ज़्यादा डॉमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिज्म एंड दैट इज़ वाई बेसिकली ही सजेस्टेड और ही ट्राई टू रिफॉर्म द फंक्शनल अप्रोच एंड इस फंक्शनल अप्रोच को रिफॉर्म करने के लिए जो है इन्होंने अपना फंक्शनल पैराडाइम दिया था ठीक है कि नहीं सो so, बेसिकली इनका जो एक फंक्शनल पैराडाइम निकल गया है दिस फंक्शनल अप्रोच विच ही रिफॉर्म बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च फॉर हिम सो दैट ही कुड बिल्ड ब्रॉड थियरीज ऑन इट ठीक है कि नहीं तो ये इन्होंने कुछ इस तरह से काम करने की कोशिश करी थी अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इनके या पढ़ने की कोशिश करते हैं इनका फंक्शनल पैराडिम क्या था एंड देन उसी के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड कन्फॉर्मिटी एंड डेवियंस चलिए सो फंक्शनल पैराडिम जब मैं बात करता हूँ व्हाट डू वी मीन बाय फंक्शनल पैराडिम सो बेसिकली फंक्शनल पैराडिम इज नथिंग बट दी फंक्शनल अप्रोच जो हम लोगों ने दुखी मैं देन उसके बाद मलिन एंड ब्राउन एंड देन इवेंचुअली पासन्स के व्यू पॉइंट के अंदर देखी दे वर्ट दे इट इट इज बेसिकली दैट फंक्शनल अप्रोच जहाँ पे कि ये बात करते हैं कि दैट देर इज सिस्टम के अंदर जो है क्या होता है स्ट्रक्चर होता है जिस विच कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ सिस्टम्स एंड ये जो सिस्टम्स हैं बेसिकली क्या हैं दे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद ईच अदर और हर एक जो पार्ट है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है एंड बेसिकली दैट इज़ हाउ दैट होल सिस्टम वर्क एंड दैट होल सिस्टम सर्वाइव्स और ये जो एस्पेक्ट है दिस इज बेसिकली फंक्शनलिज्म सो so, यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं इंटीग्रेशन कैसे आ रही है सॉलिडारिटी uh, uh, कैसे आ रही है कैसे जो है पूरा सिस्टम स्टेबल है कैसे वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है दैट इज़ व्हाट फंक्शनल और फंक्शनलिज्म ऑल अबाउट ठीक है जी बट यहाँ पे जो है ही डिविएट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फंक्शनलिस्ट जैसे कि मलिनास्की है एंड रेड ब्राउन है तो ये बेसिकली बात करते हैं कि जो तीन ब्रॉड पॉस्टुलेट्स हैं फंक्शनलिज्म के इनको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं ठीक है जी कौन से तीन ब्रॉड पॉस्टुलेट्स हैं फंक्शनल यूनिटी फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी एंड इनडिस्पेंसालिटी ठीक है जी सो फंक्शनल यूनिटी का मतलब क्या है फंक्शनल यूनिटी का मतलब है कि बेसिकली जो भी लाइक like, यूनिटी का मतलब है कि इट इज़ सॉलिडारिटी और इट इज़ ब्रिंगिंग इंटीग्रेशन सो बेसिकली जो भी फंक्शंस हम लोग एक सिस्टम के अंदर देख रहे हैं या समाज के अंदर देख रहे हैं ऑल ऑफ देम ब्रिंग्स इंटीग्रेशन ठीक है जी वो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं दे आर इंटीग्रेटिंग और दे आर फंक्शनल फॉर द सोसाइटी ठीक है कि नहीं सेकेंड चीज़ ये बात करते हैं फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी के बारे में दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन जो है वो इंटीग्रेट करता है वो फंक्शनल है ठीक है अगर कोई जो कोई लाइक इस तरह का सिस्टम है कोई यूनिट है वो फंक्शनल है दैट मीन्स वो सिस्टम में कुछ पॉजिटिव लेके आ रहा है तो अगेन वो यूनिवर्सल होगा वो आपको हर इसी तरह के सिस्टम्स हैं जहाँ पे भी आप वर्ल्ड में देखोगे वहां पे देखने को मिलेगा ठीक है जी लेटर से फॉर इंस्टेंस फैमिली फैमिली इंटीग्रेशन लेके आती है तो फैमिली जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है ऐसी बात करेगी यूनिवर्सली वो पर्टिकुलर फंक्शन देखने को मिलेगा एंड इन डिस्पेंसिलिटी इन मतलब अगर ये फंक्शन वहाँ पे नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा कि वो सिस्टम जो है वो खतरे में आ जाएगा और उसका जो सर्वाइवल है वो अगेन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट सिस्टम टू सर्वाइव तो ये तीन चीजें हैं इसको आप एक इंडिविजुअल के फॉर्म में भी देख सकते हो लाइक like, जो फंक्शनस्ट है वो इसको इस तरह से फॉर्म में देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल के अंदर है ठीक है लेटेस्ट से कि वी टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है वो जो है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को बचाए हुए है ठीक है जी और हर बेसिकली इंडिविजुअल के अंदर नो no मैटर कोई भी स्पीशीज में चले जाओ तो वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है और तो उसका वही काम है और वो बेसिकली इंटीग्रेट कर रहा है ठीक है जी एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी की भी इस स्क्रिटरी सिस्टम के बिना जो है काम नहीं होगा कोई इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा तो ये तीन फंक्शंस को बेसिकली मर्टिन जो है क्रिटिसाइज करता है कि भाई अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये बेसिकली क्या है कंजर्वेटिव बायस देता है ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये फंक्शन के या ये पर्टिकुलर कंसेप्ट या फंक्शन के होने के कारण कोई और फंक्शन जो है वो काम नहीं कर पा रहा ये निकलेगा तो ये चल पड़ेगा इस तरह की भी बात हो सकती है सो so, एक जो कंजर्वेटिव बायस फंक्शनलिज्म में हमें देखने में मिलता है उसको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं ठीक है जी और उसी के साथ जो है ये अपने स्टेप्स देते हैं कि व्हाट शुड बी दी स्टेप्स ऑन ऑफ फंक्शनल पैराडाइम ठीक है जी अगर आप कोई भी चीज़ को कोई भी सिचुएशन को फंक्शंस uh, उसके एक्सेस एक्सेस कर रहे हो तो आप किस तरह से करो ठीक है जी सबसे पहले बात करता है कि भाई आप अगर जिस भी एरिया में स्टडी कर रहे हो तो आप उसको शेयर लाइक like, उसको आप प्रॉपरली डिस्क्राइब करो उस एक्टिविटी को ठीक है जी जो भी इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं या कोई बेसिकली सोशल सिस्टम है कोई इंस्टीट्यूशन अगर स्टडी कर रहे हो तो उसके आसपास की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाए और जो भी हमें फंक्शनल एनालिसिस करना है जिस भी टॉपिक का जिस भी एरिया का उसको प्रॉपरली क्लियरली जो है डिसर्न uh, किया उसको दिखाया जाए उसको देखा जाए कि लेटेस्ट से हम लोग इस uh, एक सिस्टम में फैमिली का देख रहे हैं फैमिली को सब देख रहे हो कितना फंक्शनल है तो आप उसको प्रॉपरली जो है क्लियरली डिफाइन करो उसके रोल को डिफाइन करो मेजर फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है उसको डिफाइन करो सेकंड जो है वो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ प्रिंसिपल अल्टरनेटिव्स जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के कारण नहीं दिख पा रहे हैं या शायद सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो बट डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है ठीक है जी क्योंकि फैमिली एग्जिस्ट कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में लेट अस से किसी और टाइप का जो एक प्रिमिट या प्राइमरी सोशल ग्रुप है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो या कर भी रहा हो तो दिख नहीं रहा हो ठीक है कि नहीं जैसे हम आजकल हाउस होल्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो मे बी दैट प्रिंसिपल अल्टरनेटिवस उनको भी हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जी देन हमें एसेस करना है कि जो भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसके मैनिफेस्ट एंड लेटिन फंक्शन क्या हैं ठीक है जी जो भी लाइक आप कह सकते हो सोशल इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट कर, कर रहा है उसका क्या मतलब है कि वो क्या कर रहा है है उस के अंदर का मतलब कि ऐसा रोल दिख नहीं रहा है ऐसे एस्पेक्ट जो हमें दिख नहीं रहे हैं पर वो दे आर बींग परफॉर्म बाई दैट पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन और पर्टिकुलर ग्रुप है ना तो इसको एसेस करना बात करते हैं पर्सन इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे ऑन कन्फर्मिटी एंड डेवियंस ठीक है जी तो कितना ये बेसिकली समाज के या सोशल स्ट्रक्चर के एंड कल्चरल वैल्यूज़ को कन्फर्म कर रहा है या कितना उससे डेविएट करता है ठीक है इसका असेसमेंट करना एंड एन फाइनली इन सब को देखने के बाद ये बात करते हैं कि भाई हमें क्या करना है हमें इस सोशल सिस्टम या सोशल इंस्टीट्यूशन या ग्रुप का या फिर फंक्शन का हमें जो है नेट बैलेंस निकालना है कि ये कितना समाज के लिए बढ़िया है या पॉजिटिव है यह इंटीग्रेट कर रहा है या कितना जो है ये समाज के लिए ख़राब है या उसे डिस इंटीग्रेट कर रहा है ठीक है तब जो है आप नेट बैलेंस बना सकते हो तब आप बताओगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इस तरह से बात करते हैं कि जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियरली सी कि कोई जो सोशल इंस्टीट्यूशन है है ना या कोई भी फंक्शन जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है और कैसे जो है वो समाज में इंटीग्रेशन लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है ओके सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट है ना ये समझना बहुत जरूरी है तभी हम लोग जाके लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे नाउ एज़ फार एज लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन आर कंसर्न नाव लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन जब मैं बात करता हूँ गईज तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि समाज में क्लियरली दिख रहे हैं है ना कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ये काम करता है इसलिए ये ग्रुप है तो वो बेसिकली वो फंक्शंस हैं जो कि दिखते हैं जो समाज चाहता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ये फंक्शन करे या ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ये फंक्शन करे तो इंटेंडेड एंड रिकोगनाइज जो फंक्शन होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन uh, के या रोल होता है किसी इंस्टीट्यूशन uh, का या फंक्शन का तो उसको बेसिकली जो है हम लोग मैनिफेस्ट फंक्शन बोलते हैं ठीक है कि नहीं इसे पीपल एज्यूम करते हैं कि भाई एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये काम ये पर्टिकुलर फंक्शन या इंस्टीट्यूशन करेगा ठीक है कि नहीं फॉर इंस्टेंस

अनफॉर्सिन होते हैं फॉर एक्सटांस स्कूल्स की हम लोग बात करे थे तो स्कूल्स एक तरफ एजुकेशन देने का काम जरूर करते हैं बट ऑल्सो दे आर दी इंस्टीट्यूशन फॉर सोशलाइजेशन ठीक है जी देर इंस्टीट्यूशन फॉर प्राइमरी यू कैन से एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का भी सोर्स बनते हैं ठीक है कि नहीं सो so ये जो चीज़ें हैं सामने नहीं दिखती हैं एंड इवेंचुअली दीज बेसिकली आर लेटेंट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर या लेटेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन है किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का ठीक है जी अब मर्टिन बोलते हैं कि भाई इनके फंक्शनल पैराडिम में मर्टिन बोलते हैं कि ये फंक्शंस को जानना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी सोशल uh, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो उनका लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन जो है वो क्या करता है वो सिस्टम में हिडन एलिमेंट्स को उजागर करता है और बेसिकली एक जो अगर सोशोलॉजिकल नॉलेज की बात करें तो उसको भी डीपन करने की कोशिश करता है ठीक है कि नहीं अगर हम इसके डिफ्रेंस जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सोशलॉजिस्ट के लिए क्यों जैसे कि नंबर वन ये बात करते हैं कि भाई फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो पहले हमें इन दिख रही होती हैं वो रैशनल दिखने लग जाती हैं ठीक है थीके? वो फंक्शनल भी दिखने लग जाती है जैसे कि ये हॉपी जो इंडियन सेरेमनीज हैं या हॉपी जो ट्राइब्स हैं नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स हैं उनको स्टडी करते हैं और बात करते हैं कि इनका जो रेन डांस होता है ना तो हॉपी इंडियंस क्या करते हैं वो जनरली बारिश करवाने के लिए क्या करते हैं वो लाइक ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं सर्कल बनाते हैं और जो है पानी छिड़कते हैं ज़मीन पे ठीक है तो एक आम बंदे को एक या जो एक एक्सटर्नल बंदा है तो उसको बेसिकली जब वो देखेगा तो क्या कहेगा ये ये तो बड़ी रैशनल चीज़ कर रहे हैं ठीक है कि नहीं कि वो ये कर रहे हैं कि भाई पानी फिर छिड़क रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि भाई गॉड्स भी उनको इमिटेट करके ज़मीन पर पानी छिड़केंगे और बारिश हो जाएगी है ना सो बेसिकली जब इस तरह से देखा जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि भाई मैनिफेस्ट लेवल पे ये फंक्शन या ये, ये ये जो सेरेमनी है ये कोई भी सेंस नहीं बना रही है बट जब आप मैनीफे लेटेंट एस्पेक्ट में देखेंगे या लेटेंट लेवल पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो रेन की सेरेमनी है ये सिर्फ इसके लिए नहीं होती है क्योंकि उस टाइम पर जब बारिश नहीं हो रही तो समाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है प्रेशर होता है ना तो जब इस तरह की रेन सेरेमनीज़ की जाती है तो लोग इकट्ठे होते हैं इकट्ठे होने के कारण क्या है जब इकट्ठे होंगे तो क्या होगा एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस एक सेंस ऑफ एक्सल्टेशन प्रिवेल करती है और टेंशंस डिफ्यूज़ होती हैं और जो बेसिकली सोशल रिलेशन एंड नॉर्म्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं ठीक है जी तो एक यूनिटी और सॉलिडारिटी का, का काम करते हैं ये सेरेमनीज ठीक है सो so, पहले जो रैशनल दिख रहा था वो रैशनल दिखने लग जाता है सोशलॉजिकल नॉलेज जो है वो इन्हहांस होती है ठीक है जी सो डेफिनेटली जो आप एक सोशलॉजिस्ट जब वो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन देखते हैं तो उसको हिडन एस्पेक्ट्स पता चलते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के एंड ही इज़ एबल टू बेटर थियोराइज ही इज एबल टू बेटर गिव सोलूशंस और लाइक वट एवर वॉट एवर इज गोल इज ही इज एबल टू डू इट बेटर ठीक है आपको समझ समझने की कोशिश करिए जैसे थॉस्टिन वेबलिन की स्टोरी है लेचर क्लास की है ना तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कई बार हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं वो हम लोग कंजप्शन के लिए नहीं खरीदते हैं वो हम लोग अपने क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं इसको जो है भट्टीब अब बोलते हैं कंस्पिकियस कंस्पिकियस कंजप्शन है ना तो हम लोग जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि भाई अगर आपको कार खरीदनी है ना तो आप जब कार खरीदते हो तो लेटेस्ट से इफ़ यू आर आप इवन मिडिल क्लास में तो आप ऑल्टो नहीं खरीदोगे आप छोटी कार नहीं खरीदोगे नैनो के फेल होने का कारण क्या था बिकॉज कार जो है वो एक क्लास की तरह काम करती है ना वो एक कंस्पिक्स वो आपके एक ईगो को एक इमेज को बूस्ट करने का काम करती है तो आप नैनो नहीं लेते हो बिकॉज नैनो को जनरली गरीबों के साथ एसोसिएट कर दिया गया था ठीक है इसीलिए नैनो फेल होगी ठीक है तो हम वट वी ट्राई टू डू वी ट्राई टू टेक बिगर कार वी ट्राई टू हैव लाइक ट्राई टू बीयर कॉस्टली क्लोथ सो दैट हम लोग अमीर दिखें या हम लोग एक सेंस ऑफ वेल्थी सेंस ऑफ लाइक लेजर क्लास दिखाने की कोशिश करें ठीक है दैट इज ऑल्सो लाइक वही बात है ना कि भाई कंजप्शन अगर आप देखो मैनिफेस्ट uh, फंक्शन क्या है कि भाई आपको चार लोगों के लिए गाड़ी चाहिए एक जगह तो उस जगह जाने के लिए बट लेटेंट फंक्शन क्या है लेटेंट एस्पेक्ट क्या है कि भाई हमें इसके साथ अपनी क्लास को भी मेनटेन करना है तो यू विल गो एंड बाय कार है ना सम ऑफ यू मे बी है ना तो दैट इज़ वट आई वॉन्ट टू से एनी वेज सो देन इट ऑल्सो ओपन विस्तास फॉर न्यू रिसर्च है ना कई कई जो चीज़ें जो पहले नहीं सामने दिख रही होती हैं वो दिखती हैं देन इवेंचुअली हम क्या 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 करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं जैसे मैंने आपको लेजर क्लास के बारे में बात करें ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जब हम डीपली uh, स्टडी करते हैं तो वी फाइंड लॉट ऑफ एरियाज जो कि अनटच्ड हैं जिनको सर्च किया जा सकता है उनको स्टडी किया जा सकता है ठीक है जी इट ऑल्सो रिवील्स लाइक वेबर बात uh, uh, अपना मर्टन बात करते हैं इट ऑल्सो रिवील्स इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है ना इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशन बने हुए जो सिस्टम बना उसके अंदर फॉल्ट भी दिख खाते हैं इस तरह के में लेटेंट फंक्शन फॉर इंस्टेंस ये मर्डन जो है बात करते हैं पॉलिटिकल मशीन के बारे में पॉलिटिकल मशीन इज लाइक अ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जो कि जनरली अमेरिकन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं ठीक है ये वो लोग हैं लाइक अर्बन एरियाज़ में वो लोग होते हैं जो दे के नॉट रन फॉर द ऑफिस है ना बिकॉज लॉट्स ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड दे कैन दे के नॉट रन फॉर द ऑफिस बट दे कैन मेक अ ग्रुप एंड दे कैन बेसिकली इन्फ्लुएंस द वोटर्स और इस बेसिस पे क्या करते हैं ये जो हैं अपने पॉलिटिकल जो uh, इनका दबदबा दब है या पोलिटिकल जिनके नंबर्स हैं उनके बेसिस में ये माइलेज निकलवाते हैं या फिर ये बेसिकली अपने लिए वेलफेयर स्कीम्स निकलवाते हैं एंड दैट बेसिकली टेल्स है ना है तो ये बेसिकली लेटेंट फंक्शन है एंड सम वॉट इलीगल है बट अगेन क्या होता है इससे कि जो नीचे दबके का जो लोग होते हैं उनको पावर मिलती है कि वो भी लाइक एट लीस्ट पोलिटिकल पावर को मे बी इन देंट वे में टेस्ट कर सकें है ना सो दैट इज वॉट मटन टॉक्स अबाउट सो वॉट आर बेसिकली लिमिटेशन ऑफ लाइक मटन थियरी ऑफ फंक्शनिज्म इस फंक्शनिज्म की सो हमने देखा कि बहुत अच्छा एक स्टेप्स दिए मटन ने बट प्रॉब्लम इज दैट अगेन इट लैक्स रैशनैलिटी है ना सो so, वही बात हो गई कि भाई अगेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा फंक्शन कितना फंक्शनल uh, है कितना डिसफंक्शनल है है ना नेट बैलेंस बनाना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अ सेंस कि भाई हम लोग एग्जैक्टिट्यूड uh, में ये नहीं बता सकते कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हो रहा है ठीक है सिमिलरली ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिवर्सैलिटी नहीं है ठीक है कि नहीं ऑब्जेक्टिवली हाउ विल बी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कि भाई कौन सा मैनिफेस्ट फंक्शन है कौन सा लेटेंट फंक्शन है ठीक है कि नहीं एंड ये ऑब्जेक्टिविटी अगेन इट्स एन इशू कि भाई अगेन लेटेस्ट से हम लोग को एक जगह पता भी चल जाता है बट प्रॉब्लम इज़ कि भाई इज़ इट इज़ नॉट यूनिवर्सल है ना फॉर इंस्टेंस जैसे आपका बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मशीन के बारे में है ना सो पॉलिटिकल मशीन के बारे में बात करते हैं आपके मर्टन सो ये खुद भी उस उसी मशीन का मेंबर रहे हैं ठीक है जी तो सब्जेक्टिविटी देखने को मिल रही है कि भाई अपने ही एग्जाम्पल्स दे के वो ही स्ट्राइंग टू जस्टिफाई इज थियोरी एंड अगेन यूनिवर्सली इट इज़ नॉट एप्लीकेबल सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू मर्टेन्स थियोरी बट हाउ एवर इट वॉज अगेन जैसे मैंने बताया कि इट वॉज लाइक ही वॉज एबल टू रिफाइन इट इन अ वे है ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगेन एक अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरी वॉज मर्टिन थियरी ऑन कन्फॉर्मिटी एंड डेवियंस ठीक है सो so, अगेन uh, <clears throat> यहाँ पे जो हम लोग मैं बात करूँगा कि इट वॉज बेसिकली पार्ट ऑफ द स्ट्रेन थियोरी जो कि मर्टिन गॉट वेरी फेमस फॉर एंड ही मर्टिन वॉज द पर्सन हु इवेंचुअली लाइक स्टार्टेड इन सोशोलॉजी इट्स इल द लाइक स्टडीज ऑन डेवियंस एंड स्टडी ऑन क्रिमिनोलॉजी ठीक है जी डेवियंस बेसिकली क्या होता है डेवियंस इज समथिंग दैट वेन अ पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग द सोशल नॉर्म्स वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी और तब क्या होता है कि वो डेविएंट हो जाता है उसकी एक्ट जो है वो दे आर नॉट इन कंफर्मिंग वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज ए डेविएंट ठीक है जी इंस्टेंस कोई क्राइम कमिट करता है तो क्राइम कमिट करने का मतलब क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको डिफाई कर रहा है एंड दैट इज वाईज कॉल्ड एज अ ठीक है जी कन्फर्मिटी ऑन अदर हैंड इज ऑल अबाउट कि भाई कन्फर्मिंग टू दी नॉर्म्स एंड ब्रॉड वैल्यूज ऑफ दी सोसाइटी सो बेसिकली स्ट्रेन थ्योरी में जो है लाइक like, डिवियस की अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो पहले मर्टिन से पहले बहुत सारे लोगों ने इसको एनालाइज किया है बट अगेन इट डन इन अ डिफरेंट वे है ना नॉट सोशियोलॉजिकली फॉर इंस्टेंस बायोलॉजिकल वे में बात करूँ तो डॉक्टर लम्ब्रोस हैं इनकी स्टडी है ठीक है जी ही टॉक्स अबाउट बेसिकली फिजियोलॉजिकल थी फीचर्स जो हैं वो बताते हैं कौन mm -hmm. से मतलब बंदों के अंदर डेवियंस की टेंडेंसी जैसे कि ब्रॉड जॉ होना डीपर वॉइस होना है ना इस तरह के बड़े सारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स बताते हैं कि बी दे टेंड टू तो हैव मोर डेवियंस विद रिस्पेक्ट टू तो अदर्स है ना सिमिलरली शेल्डन एलेनॉर की स्टडी है जिसमें की बात करते कि भाई जिसके मेल जिनके अंदर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है कि भाई वो जो है दे आर मोर मोर दे आर मोर टेंडेंसी फॉर क्राइम है ना सो दैट इज़ बेसिकली देयर थियरी सिमिलरली साइकोलॉजिकल थियरीज में है कि भाई साइकिल एबनॉर्मिलिटी होती है बेबी ड्यू टू इनाडिकुएट सोशलाइजेशन अनडिज़ायरेबल एक्सपीरियंस सोशल लाइफ में प्रीवियस ईयर या छोटे में ट्रामा ये सब चीज़ें बेसिकली क्या करती है बंदों को डेविल की तरफ खींचती है जैसे कि जॉन बॉल्बे की बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जुबिनाइल्स के ऊपर जहाँ पर बात करते हैं कि जो जुबेनाइल जो डेलिकुंट हो जाते हैं जो जो लॉ के अगेंस्ट या लॉ ब्रेक करते हैं बार बार जनरली दे दे हैव मेटरनल डिप्रीवेशन इन देयर अर्ली ईयर्स है ना कि भाई मेटरनली डिप्राइव होते हैं मेटरनल लव से डिप्राइव होते हैं दैट्स दे टेंड टू गो फॉर मोर क्राइम्स ठीक है सिमरली एंड्रे की थियोरी है जिसमें बात करते हैं कि भाई जिनके बचपन में फादर से कन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो बेसिकली डेबियंस की तरफ जाते हैं ठीक है जी हाउवर सोशोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं दे कंसिडर बिकॉज दे बिकॉज सोशलॉजिस्ट कंसिडर डेवियंस एज नॉट नॉर्मल इन दी नॉट एबनॉर्मल है ना वो एबनॉर्मल ही मानते वो नॉर्मल मानते हैं याद करिए दुखीम की हमने बात करी थी जब एनॉमी के बारे में बात करते तो ही टेल्स कि भाई अगेन समॉर्म ऑफ जो डिसफंक्शन uh, या सम फॉर्म ऑफ जो अनॉमी है इट इज़ या सम फॉर्म ऑफ क्राइम जो है इट इज़ अगेन ओके फॉर सोसाइटी इन मैटर फैक्ट इट इज़ पॉजिटिव फॉर सोसाइटी क्योंकि ये सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को री और उनको बेसिकली री इन्फोर्स करता है ठीक है कि नहीं सो so, सोशलॉजिस्ट ये बात करते हैं कि भाई डेवियंट्स एबनॉर्मल जो बाकी थियोरीज डेबियंस को एब्नॉर्मल बता रही है वो यहाँ पे ऐसा नहीं है अगेन मोस्टली सोशलॉजिस्ट कंसिडर डेवियंस एज अनअवॉइडेबल एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट नॉर्मल ऑल्सो ठीक है जी फॉर इंस्टेंस दुखीम बात करते हैं कि भाई देयर कैन नेवर बी कंप्लीट सोशलाइजेशन है ना आप हर कोई बंदा समाज so, की कलेक्टिव कॉन्शियस को अपील नहीं कर सकता उसको फॉलो नहीं कर सकता एंड मेटरफैटी कहते हैं कहीं बड़ी डेवियंस जो है वो नॉर्मल भी, भी होता है और हेल्दी भी होता है बिकॉज अगर जब कलेक्टिव कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव होगा है ना रिप्रेसिव सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर रिप्रेसिव होगा तो क्या होगा uh, जो डेवियट होंगे जनरली दे विल लीड टू इनोवेशन दे विल लीड टू रिफॉर्म एंड दे कैन इवन लीड टू रिवोल्यूशन ऑल्सो तो कहीं ना कहीं बेसिकली सोशलॉजिस्ट क्या है वो डेवियंस को नॉर्मलाइज uh, करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड दैट इज वाई दे डोंट कंसिडर they like reject not not reject but they don't consider it with respect to uh, uh, the psychological or biological theories they don't consider that theek hai ji so merton bhi basically isi tarah se start karta hai inke he it takes a premise that ki jo deviants hai wo basically cultural values cultural jo आपके norms होते हैं and या कल्चरल वैल्यूज होती हैं एंड स्ट्रक्चरल नॉर्म्स इनके अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके कारण आपको देखने को मिलती है ठीक है कि नहीं सो बेसिकली मटन यहाँ पे पार्सन का व्यू पॉइंट लेते हैं कि भाई वैल्यू कंसेंसस होना समाज में बहुत जरूरी है और जब वैल्यू कंसेंसस होगा तभी जो है समाज में स्मूथ फंक्शनिंग होगी ठीक है जी पर ये कहते हैं कि कई कई बार क्या होता है कि मेंबर्स जो हैं सिंस समाज में मेम्बर जो हैं वो अलग अलग दबके में पड़े हैं अलग अलग पोजीशंस में हैं और कई बार क्या होता है कि भाई वो इस तरह की कंडीशन में होते हैं जहाँ पे कि वो इस वैल्यू कंसेंसस को नहीं या वैल्यू कंसेंसस को नहीं बना पाते हैं और इस तरह के शेयर्ड वैल्यूज को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं ठीक है ये अगर मटिंग खुद के वर्ड की बात करूँ तो द सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर जनरेटेड प्रेशर ऑन प्रेशर फॉर सोशल डिडेवियन बिहेवियर अपॉन पीपल

वो कई बारी उस वैल्यू कंसेंसस को या उस वैल्यू के साथ कंसेंसस नहीं बना पाते हैं। उन वैल्यूज़ को रियलाइज नहीं कर पाते तब जो है डेवियंस की तरफ जा रहे हैं ठीक है जी सो मटे स्टेट बात करते हैं कि जब भी एनोमी का स्टेट होता है जब भी लॉलेसनेस का नॉर्मलेसनेस का स्टेट होता है तब क्या होता है ये जो कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स होते हैं स्ट्रक्चरली परमिटेड मीन्स होते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाते हैं या ये एक दूसरे के साथ इनकमपैटेबल हो जाते हैं ठीक है जी कल्चरली अप्रूव्ड कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स ठीक है जी कल्चरल गोल्स एंड means जब ये इनकम्पैटिबल हो जाते हैं तब बात करते हैं कि प्रेशर होता है डिवियंस की तरफ जाने का ठीक है जी और जब इस तरह की इनकम्पेटिबिलिटी आती है तो अलग अलग दफ् में जो लोग हैं वो उसे अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि बारी क्या होता है कि भाई लोग जो अपर क्लास में जनरली होते हैं या फिर जनरली जो अच्छे वेल टू डू ऑफ लोग होते हैं वो फिर भी जो है गोल्स एंड मीन्स को फुलफिल करते हैं हाउएवर समटाइम्स जो है अदर्स कैन नॉट डू द सेम ठीक है जी सो प्रेशर एंड रिस्पॉन्स टू सच बेसिकली सच इनकम्पैटेबिलिटी जो ये प्रेशर आता है डेवियंस का इसको जो है अलग लो, अलग लोग अलग अलग क्लास स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग तरह से उसका रिस्पांस लेके आते हैं ठीक है जी सो मट बेसिकली पांच पॉसिबिलिटीज बताता है पांच रिस्पांस बताता है कि इंडिविजुअल जब भी इस तरह के डेवियंस के प्रेशर में आता है तो पांच तरह के रिस्पॉन्स करता है ठीक है जी ये हम देखते हैं जैसे कि पहला है लाइक ये आपका कल्चरल गोल्स हैं इंस्टीट्यूशनल मीन्स है या स्ट्रक्चरल मीन्स है एंड देन वट आर दी रिस्पॉन्सिज ऑफ़ एन इंडिविजुअल ठीक है जी पहला आता है कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी का मतलब है वो इंडिविजुअल जो कि कल्चरल गोल्स को मानते हैं उनके एडियर करते हैं और स्ट्रक्चरल मीन्स उनको अचीव करने के लिए उनको भी एडियर करते हैं ठीक है जी जनली वो क्लासेज हैं वेल टू डू ऑफ क्लासेज होती हैं जैसे कि एक डॉक्टर है उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बना दिया ठीक है जी सो so, डॉक्टर बनने के बाद क्या है कि ही लाइक like, कल्चरल गोल इज़ टू गेट रिच है ना गेट पैसे पैसे कमाना बट मीन्स इज़ कि भाई आप स्टील नहीं करना है आपको जो है लॉ के अंदर रह के कमाने हैं तो ये डॉक्टर बनेगा तो अगेन ही इज़ रिस्पेक्टेड ऑल्सो कल्चरल गोल इज़ टू गेट रिस्पेक्ट एंड गेट मनी ही अर्न मनी एंड इंस्टीट्यूशनल मीन इज बाई अगेन डूइंग या और सर्विंग दी पेशेंट्स है ना तो इस तरह से तो दिस इज हाउ लाइक जल्दी वेल टू डू ऑफ लोग जो हैं वो क्या करेंगे वो कन्फर्म करते इवन इन प्रेशर है ना uh, uh, <coughs> Uh, जैसे कि मटन uh, खुद एग्जांपल देते हैं अमेरिकन ड्रीम के बारे में है ना कि बोलते हैं कि भाई अमेरिकन ड्रीम जो है एवरीबडी दिस इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ़ और द ट्रू कल्चरल वैल्यू ऑफ अमेरिकन सोसाइटी कि भाई अमेरिकन ड्रीम को फुलफिल करना दैट मींस हैविंग अ मैंशन इन बेबरली हिल्स एंड ड्राइविंग अ कैंडलैक एंड गुड बैंक बैलेंस ये जो है अमेरिकन ड्रीम है ठीक है तो अगेन जो वेल टू डू ऑफ लोग होंगे वो स्ट्रक्चर मीनस को एडियर करते हैं एंड इसकी तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं ठीक है जी देन देर अदर्स अनदर रिस्पांस इज इनोवेशन ठीक है जी इंडिविजुअल्स कुछ लोग इंडिविजुअल्स क्या करेंगे वो कल्चरल गोल्स को तो मानेंगे कि भाई हाँ वो अमेरिकन ड्रीम अचीव करना है बट मीन्स को जो है वो नहीं मानेंगे जो रास्ते हैं जो परमिटेड रास्ते हैं उनको नहीं मानते एंड क्या करते हैं इनोवेट करते हैं ठीक है जी जल्द अगेन वही मोस्टली दोजू आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड लाइक अपर मिडिल क्लास वो इस तरह से रहते हैं एग्जाम्पल कोई जो है ब्यूरोक्रेट लग जाता है ना तो ब्यूरोक्रेट लगने के बाद ठीक है गोल को तो मानता है कि भाई अमीर होना है बट ब्यूरोक्रेट वैसे तो इतना ज़्यादा अर्न नहीं करेंगे तो समटाइम्स दे टेक ब्राइब एंड दे टेक और ब्यूरोक्रेट की बात कर सकते हैं या पॉलिटिशियन की बात कर सकते हैं तो बेसिकली वो क्या करते हैं वो ब्राइब लेते हैं या फिर uh, Uh, कोई इलीगल जो है इस तरह से परमिट देते हैं कुछ इस तरह से पासिंग कर देते हैं ठीक है जी नेक्सेस बना लेते हैं तो उससे क्या है दे ट्राई टू गेट रिच ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज डन क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में दे विल नॉट बी एबल टू गेट दैट रिच है ना देन इज रिचुअलिज्म रिचुअलिज्म में क्या होता है जनरली दे आर लाइक लाइक लोअर मिडिल क्लास दे आर मोर टू रिचुअलिज्म है ना इसमें क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल मीन्स के ऊपर फोकस करेंगे गोल से डिस्प्लेस हो जाता है गोल क्या है जैसे अमीर होना या फिर एक वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल होना हाउ अवर इंस्टीट्यूशनल मीन जो है uh, ये only, थीके? थीके? थीके दे विल फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल मीन्स ओनली ठीक है क्योंकि बिहार में हैं सीधे रास्ते ही चलना है है ना देन आते हैं रिट्रीट और रिस्पॉन्स आता है रिट्रीटिज्म दैट मीन्स क्या होता है ये वो लोग हैं जो बेसिकली गोल्स uh, को भी मानते हैं बट मीन्स को भी मानते हैं बट दोनों को ही फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं दे कुड नॉट फुलफ़िल आइर द इंस्टीट्यूशनल मीन्स और कल्चरल गोल्स जन में बात करूँ या मर्टन बात करते हैं बेगा बॉन्ड्स के बारे में और लेटेस्ट से बेगर्स के बारे में तो बेसिकली क्या है वो मानते हैं कि भाई डेफिनेटली कल्चरल वैल्यू जो है उसको या कल्चरल गोल्स है दैट इज टू गेट रिच और हैव रिस्पेक्ट मानते हैं बट इंस्टीट्यूशनल मीन्स है उनको भी मानते हैं कि ऐसे ही होना ठीक है जी सो ना दे विल लाइक वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ब्राइब लेंगे वो भी नहीं करेंगे हाउ एवर दे के नॉट रीच बिकॉज दे डोंव दैट कैंड स्किल कि वो जो है कल्चरल गोल्स को अचीव कर पाए सो एट द एंड दे बेसिकली आर नॉट एबल टू फुलफिल बोथ ऑफ द कल्चरल गोल्स एंड इस करके क्या है दे आर कंसिड एज रिट्रीटिस्ट या रिट्रीटिज्म ठीक है जनरली जो जो सबसे बॉटम ऑफ द क्लास ऑफ द सोसाइटी होती है वो जनरली इधर आ जाती है बेगर बॉन्ड्स हो गए बेगर्स हो गए इस तरह के लोग ठीक है जी एंड फाइनली फिफ्थ तरह का रिस्पांस होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रेबिलियन सो रेबिलियन में क्या होता है बेसिकली सिंस ये ये वो लोग हैं जो कि दोनों ही इनको कल्चरल गोल्स को इन स्टेशन मीन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं सो दे डू नॉट एंटर एज रिट्रीटिस्ट बट दे अगेन

so they are basically called as rebellion theek hai so you can see here na institutional means and cultural goals so those who conform to both they are conformists those who reject institutional means but cultural goals karte hain हैं innovators हो गए then those who reject uh, cultural goals but institutional means को मानते हैं वो ने ritualists बोलते हैं and those दोनों को नहीं मान पाते हैं मानना चाहते हैं पर दोनों को नहीं मान पाते हैं वो ने ambivalentist बोलते हैं and then last is rebellion जो नए goals हैं नए means दे देते हैं ठीक है that is basically the conformity and deviance Não. मर्टिन का जो डेवियंस का व्यू uh, पॉइंट है इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया ठीक है कि नहीं अगेन uh, जैसे कि एल्बर्ट कोहान है ये बात करते हैं कि मर्टिन की थ्योरी चलो पेकुनरी डेवियंस के बारे में बात कर सकते हैं जैसे फाइनेंशियल गेंस के बारे में ब्राइबरी के बारे में वो तो बता देती है बट वाट अबाउट सेंसलेस वॉयलेंस वेंडलिज्म नॉन पेकनरी डेवियंस हम लोग देखते हैं भाई रॉइड्स हो जाना ये सब चीज़ें देखते हैं तो ये बेसिकली मर्टिन की डेवियंस थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर रही अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट कोहन एंड ये बात करते हैं कि भाई सच काइंड ऑफ डेवियंस जैसे आपके भाई वेंडलिज्म कर देना सरकारी बसें फूक देना वो सारी चीज़ें तो क्या कहीं कही ना कहीं एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है जो कि पूर का लिए मतलब पूर की फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करता है ना जो गरीब है जिनके पास सिस्टम में ताकत नहीं है उनकी फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करता है तो ये बेसिकली कहते हैं मर्टिन नहीं बताता है सिमिलरली <coughs> क्लावर्ड एंड ओलिन जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मॉर्टिन को कहते हैं कि भाई वाई सम पीपल बिकम इनोवेटर्स वाई सम पीपल बिकम रिचुअलिस्टिक ऐसा क्यों है है ना मतलब वाई वाई दिस हैपन्स वाई सम पीपल बिकम और अचीव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है ना यही रिस्पॉन्स क्यों लेंगे ये लोग बात की, ये बात करते हैं कि भाई अगेन मर्टिन का जो व्यू पॉइंट इट इज़ नॉट कंप्लीट इट इज़ नॉट इट इज़ जस्ट यूनि डायमेंशनल एंड कहीं ना कहीं ये लोग क्लोवर्ट जो है वो बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल सब कल्चर होता है और उसके कारण डेवियंस होता है ठीक है कि नहीं ये बात बोलते हैं कि जनरली जो जैसे गेटोज होते हैं तो वहाँ पर जनरली क्राइम ही ब्रीड करेगा क्यों बिकॉज कि वहाँ पर एक सब कल्चर चल रहा है एंड लोग जो है उसे कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं सिमिलरली डेविड माद्जा भी जो है ये बात करते हैं कि भाई अगेन बल्कि क्रिमिनल्स एंड नॉन क्रिमिनल्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इवन जो डेवियंट्स होते हैं वो भी कहते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मानते हैं स्ट्रक्चरल नॉर्म्स को कल्चरल मीन्स को मानते हैं कल्चरल लाइक वैल्यूज़ को मानते हैं बट क्या होता है कि भाई अगेन बेसिकली एस्पेक्ट इसकी भाई uh, जब कोई पकड़ा जाता है ना पर फिर भी वो काम फिर भी वो डेवियंस करते हैं दोनों तो मानने के बावजूद डेवियंस करते हैं जैसे कि आपको पता है कि भाई अगेन वही uh, कोई पकड़ा जाता तो वो कहता है वही जो पकड़ा गया तो वो चोर है है ना तो मतलब चोर तो उस कहते हैं सारे ही हैं बट अगेन प्रॉब्लम इसकी जो पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं कि ये चोर है ना तो कहने का मतलब है कि डेवियंस की टेंडेंसी कहता सब में होती है जरूरी नहीं है कि भाई कोई स्ट्रक्चरल गोल्स को मान रहा है कोई कल्चरल मीन्स को मान रहा है सभी मानते हैं हाउ एवर कहता डेवियंस की टेंडेंसी जो है वो सब में होती हैं एंड फाइनली हॉवर्ड बेकर भी बात करते हैं वो लेबलिंग थियरी देते हैं वो कहते हैं कि नहीं अगेन सोसाइटी जो है वो लेबल लगाती है किसी किसी बिहेवियर को कि ये डेविएंट है या नहीं है ठीक है कि नहीं फॉर इंस्टेंस ये बात करती है अगर किसी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर तरह से लेबल किया जाता है तो वो उसी चीज़ को बेसिकली एक्सेप्ट कर लेता है फॉर इंस्टेंस अगर जनरली हम लोग अगर हम देखें तो भाई कोई इंडिविजुअल जो कि लाइक गेटोज में रहता है और लाइक लाइक बाल रंगा रखे हैं या फिर लाइक डेविएंट टैटूज कर रखे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ये तो भाई डेवियंट है ना तो बेसिकली वही बात है कहते हैं कि भाई जिसको हम लोग डेविएंट बोल देते हैं जिसको समाज डेवियंट बोल देता है तो बेसिकली क्या होता है वो लोग डेवियंट बन जाते हैं ठीक है और मर्टन ये बात को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सो so बेसिकली ये कुछ जो है क्रिटिसिज्म मिलते हैं मर्टन uh, की थियोरी के विद रिस्पेक्ट टू कन्फर्मिटी एंड डेवियंस सो गाइज दैट वॉज बेसिकली द दर्टिन थियरी ऑन फंक्शनल पैराडाइम एंड हिज एस्पेक्ट ऑन लेट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड कन्फर्मिटी एंड डेवियंस सो गाइज इसकी आगे जो रेफरेंस ग्रुप थियोरी है दैट वी विल बी डूइंग ऑन नेक्स्ट सेशन सो आई होप यू लाइक डिट एंड Please like, share, and subscribe if you uh, find this particular uh, topic interesting. And uh, see you next time. Bye bye. All the best. And take care.